अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। यार तू नब सुन रहा है यार या फिर कमेंट्री सुन रहा है ये बता। चाचा जी मैं नब्ज ही सुन रहा हूँ। नब्ज अगर सुन रहा है तो नब्ज ठीक है ना, मतलब बहू ठीक है या नहीं, क्या कह रही है नब्ज? नहीं भाभी जी बिल्कुल ठीक है। तो यार अगर ठीक है तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही है? अरे चाचा जी इंसान को कभी कदार स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाता है। नहीं तो किस चीज का स्ट्रेस है इसको? अरे चाचा जी इस दुनिया में तमाम तरह के तो स्ट्रेस हैं और तमाम तरह की टेंशन है। अब किसी को काम की टेंशन है, किसी को दुनियादारी की टेंशन है, किसी को खुद की टेंशन है और किसी को पति की टेंशन है। फोन तू दे रहा है ऐसे टेंशन? यार मैंने तुझसे कितनी बार कहा यार मुझे टेंशन दे दे, अपने आप को टेंशन ले ले, लेकिन यार बहू को तो टेंशन मत दे कम से कम। चाची ओवर केयरिंग के ओवर एक्टिंग करना बंद कीजिए। स्टॉप दिस नाटक राइट अवे। मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ आप नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं आप। यार ये नॉर्मल है, इंसान कभी कभार बीपी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाता है। आप तो कव्वाली गाने लगे। हाँ तो क्यों ना गाऊं कव्वाली, क्यों ना गाऊं कव्वाली? यार बहू की सेहत का सवाल है, मैं ताली बजा बजा के कव्वाली गाऊंगा। बता तू हमेशा भूल जाता है, लेकिन मुझे हमेशा ये बात याद रहती है कि हमारे घर में एक इकलौती बच्ची है कमेरी जो काम करती है। भगवान ना करे कि कल के दिन इसे कुछ हो जाए यार, तो हम तो भूखे मर जाएंगे बेटा। वैसे मेरी फीस कौन देगा? बहू बहू जाएगा फिर वही देगी। क्या मेरी फीस भाभी जी देने वाली? हाँ। फिर तो इन्हें फौरन होश में लाना पड़ेगा। थोड़ा सा परेशान था यार। नहीं झगड़ा नहीं हुआ अनु से यार, एक्चुअली हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, अचानक अनु का चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। नहीं बाप नहीं बनने वाला हूं यार, बाप बनना होता बहुत पहले बन गया होता। मैं तो क्या करता हूँ फोन, एक चिपको आ गया, बीवी से बच के रहना। वो भाभी जी की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन, वो ठीक है। क्या हुआ उसको? शी इज ओके। नहीं बेहोश क्यों हो गई थी? भाई थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया था, स्ट्रेस है, आप तो जानते हैं अनु को, शी इज अ वर्किंग वुमन, बहुत स्ट्रेस लेती है वो, तनाव और इस चक्कर में, फटी के चक्कर में चक्कर होकर आ गया। शी इज फाइन, शी इज ओके। लेकिन उनका प्लीज है ध्यान रखिएगा आप, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान रखता हूँ उसका और बहुत ध्यान रखता हूँ, और कौन रखेगा ध्यान उसका? मौका लगे तो हम भी रख सकते हैं जी। हमारे यहाँ शाम को रात्रि भोज का कार्यक्रम है। okay. तो भाभी तो आ ही जाएंगी, आप भी लद लीजिएगा। ठीक, ये क्या तरीका है आपका इनवाइट करने का, बेहूदगी का? ऐसा क्या कह दिया हमने? ऐसा क्या कह दिया आपने? आप जब भी इनवाइट करते हैं ऐसे इनवाइट करते हैं, भाभी जी को बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लद लीजिएगा। व्हाट इज दिस यार, इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? हाँ अभी भी तो कह सकते हैं कि आप और भाभी जी हमारे घर सादर आमंत्रित हैं रात्रि भोज के लिए, कांट यू से दैट? चलिए ठीक है, आप और भाभी जी हमारे यहाँ सादर आमंत्रित है रात्रि भोज के लिए। अब तो खुश है, आएंगे आप? देखेंगे। आए सुनिए, अजीब आदमी है यार। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।